तो नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर सीईओ बड़ाबिजनेस.com। ये दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के सामने मैं खड़ा हूँ और मैं आज आपको अपने चैनल से बात कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे न्यूज़ वाले आए हुए हैं और मैं सोचा मैं अपने चैनल में भी आज यूट्यूब के वीलॉग में आपको शेयर करूँ। बहुत मेहनत गई, बहुत प्रयास किया। मेरे कॉलीग निशान, जिनके पिता मेडिकल डॉक्टर थे और मेडिकल डॉक्टर होने के बावजूद उनको ऑक्सीजन बेड और एम्बुलेंस नहीं मिल सकी, उनका ध्यान दो, इसने झकझोर दिया मुझको। तो हमने फटाफट सोचा कि क्या करें। लोग कह रहे हैं ऑक्सीजन मिलना मुश्किल है, सिलेंडर मिलना मुश्किल है, डॉक्टर मिलना मुश्किल है, नर्स मिलना मुश्किल है। मुझे लगता है इच्छा शक्ति मिलना ज़्यादा मुश्किल है। अगर इच्छा शक्ति होगी सब हो जाता है। हमने फटाफट से ये दुकान दी है डॉक्टर हमारे और पैरामेडिक दिया, इन्होंने हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर दिया। ऐसे ही मैंने सारे चाइना के से फटाफट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जल्दी जल्दी अरेंज करके मंगाए। इस्कॉन संस्था साथ में जोड़ी है, पीयूष गोयल जी आप देख रहे हैं, चल रहे हैं यहाँ पे, ये इस्कॉन के चेयरमैन है। इस्कॉन संस्था में सारा भोजन आ रहा है, हमारे गुरुदेव ने हमको आदेश दिया कि फटाफट इसको करना चाहिए। तो ये हॉस्टल जो है ना, ये खाली था। हॉस्टल खाली होने के कारण हमारे को फटाफट 200 बेड की सुविधा मिल गई है और 200 बेड का हमने तुरंत अरेंजमेंट कर दिया। आज इसको हमने नाम दिया है इस्कॉन कोविड केयर सेंटर। ये जरा बैनर दिखाइएगा, इस्कॉन कोविड केयर सेंटर। इस इस्कॉन कोविड केयर सेंटर के द्वारा जहाँ पे यथाशक्ति हमारे साथ मिलकर कई लोगों ने प्रयास किया और एक मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, फाउंडर हैं बड़े स्टार्टअप के जो दवाइयाँ अरेंज करते हैं, उनसे हमने सस्ती दवाइयाँ अरेंज करा ली। एक हमारे स्टार्टअप दोस्त हैं हमारे हेल्दियन, वो सारा लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, पैथोलॉजी, ब्लड टेस्ट करना, सैंपल लेना, 4 घंटे में टेस्ट का रिपोर्ट दे रहे हैं, बहुत कम पैसों पर हमने उनसे करा लिया। एनएन ग्लोबल फाउंडेशन है जिसने हमारे को काफ़ी कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन के दिए। ऐसा करते करते मेरे जितने भी संपर्क में थे लोग उनको जोड़ा। पीयूष जी जो चेयरमैन है इस्कॉन द्वारका के, आप इनको भी दिखाइएगा, ये साथ में हमारे आए और मैं इनको अपना मेंटर और अपना गुरु मानता हूँ। अपने चैनल के पे सबको मैं कहना चाहता हूँ, अपने चैनल के सामने आज सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, शायद ही कोई दिन होगा कि सुबह 5 बजे तक हम लोग बात ना कर रहे हों, रात 2 बजे तक, कि नर्स को कैसे संभालें, डॉक्टर्स का उत्साह बनाए रखें, पैरामेडिकल स्टाफ का उत्साह बनाए रखें। पेशेंट आ रहे हैं लगातार, 200 बेड की सुविधा हो गई, इसको 2000 पे कैसे ले जाएं, कौन हमारा सहयोग कर सकता है, क्या आप लोग सहयोग कर सकते हैं। अभी मैं आपसे सहयोग नहीं मांगूंगा, अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो को दिल्ली के आसपास जितने लोग हैं उनको पहुंचा देना, सबको बोल देना कि अभी है सुविधा हमारे पास। अभी मेरे ख्याल है कम से कम हम 100 पेशेंट और ले सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। तुरंत आपको हेल्पलाइन नंबर पे फोन करना है, ये नंबर दिखाइएगा जरा यहाँ पे, फोकस करिए, 9717534959। इस नंबर को नोट कर लीजिए, यहाँ व्हाट्सएप की सुविधा है, यहाँ पे आपके कॉल करने की सुविधा है, अभी हमारे पास बेड्स की सुविधा है, ऑक्सीजन की पर्याप्त सुविधा है, मेडिकल स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ की, भोजन सारा इस्कॉन ने अरेंजमेंट कर दिया है, पूरा मंदिर से प्रसाद भगवान को भोग लग के पेशेंट के लिए, स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए आ रहा है। अब यहाँ पे जो है टेस्टिंग, हमने पैथोलॉजी लैब ऑर्गेनाइज हो गई जो हमारे को सस्ते में टेस्टिंग करके दे रही है। हाँ जी, दवाइयाँ। अब अच्छा ये बात बता दिया आपको कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो कुछ लाख रुपए लग जाता है और यहाँ पे आप आ रहे हैं पूरा इलाज फ्री में हो रहा है, यहाँ किसी से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। तो आप सबसे क्विकली, बहुत लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, इस बोर्डलाइन नंबर को फैला दो, 9717534495, दिल्ली के आसपास सब लोगों को बता दो, आप जिसको आप दिल्ली में जानते हो याद करो, उसका व्हाट्सएप नंबर खोलो, फटाफट शेयर का बटन दबाओ, फटाफट इस वीडियो को पहुंचाओ। कोई डिमांड नहीं है, बेड की अरेंजमेंट की जरूरत है लोगों को, लोग भटक रहे हैं, 3-3 दिन तक हॉस्पिटल के बाहर लेटे हुए हैं बहुत बुरी हालत में, इस वीडियो को पहुंचा दो, हो सकता है उनका जीवन बचे। मैं विवेक बिंद्रा आज बड़ा बिजनेस से आपका बिजनेस बड़ा करने की प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, लोगों का जान बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और धन्यवाद करता हूँ इस्कॉन संस्था को और आप सबको जो आप लोग सब आगे आए इस वीडियो को पहुंचा के लोगों का जीवन बचाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।